ये है हमारा नेक्स्ट प्लान। वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप एंड आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। और मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, आज मैंने शैम्पू भी कर लिया। जब भी मैं कहीं मतलब वापस घर जा रही होती हूँ ना, मैं शैम्पू कर ही लेती हूँ, क्योंकि ये रहता ना कि घर जाओ तो फिर एक काम तो कम से कम यहीं पर करके जाऊँ। और हम लोग जा रहे हैं अब ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि फिर आज हम लोग को चेकआउट भी करना है। और ड्रायर भी मुझे मिल गया था, मैंने बाल अच्छे से सुखा तो नहीं दिए, अभी तो पूरे नहीं हुए हैं। एक बार आती हूँ ऊपर से, फिर एक बार करती हूँ। और आज ऐसे ही रहेंगे मेरे कर्ली वेवी वेवी बाल, क्योंकि मैं स्ट्रेटनर तो लाई नहीं हूँ, तो मैं वो तो कर नहीं पाऊँगी, स्ट्रेट तो नहीं कर पाऊँगी। खैर कोई नहीं, मेरे ऊपर ये भी बाल अच्छे लगते, थोड़े फ्लफी वगैरह। तो अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, चलो आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। फिर ब्रेकफास्ट से आऊँगी, फिर बैठ के बात करती हूँ आप लोगों को और बताती हूँ आज का क्या प्लान है। ठीक है, तो कहीं मत जाना, चैनल पर रहना, व्लॉग देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब कहीं बिल्कुल मत जाना, मैं बताने वाली हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो चलो पहले नाश्ता आप लोगों को करा देती हूँ, क्योंकि सुबह हो गई है ना, भूख तो लगी होगी ना, लगी है ना। तो चलो नाश्ता करके आते हैं। का मैंने वीडियो नहीं लिया, क्योंकि हम लोगों ने बुफे नहीं अपना ऑर्डर कर करके खा लिया, ले लिया। और बहुत आइटम था, पोहा था, आलू का पराठा था, डोसा था, उत्तपम था, और बुफे में सब एक्चुअली वहाँ पे कुछ भरा हुआ था नहीं, तो मैंने इसलिए वीडियो लिया नहीं। लेट हो गया था ना, हम लोग तो सब खा क्योंकि जा चुके थे, तो फिर हम लोग को जो जो खाना था हम लोगों ने ऑर्डर करके मंगवा लिया था और खा लिया। आई होप आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा, आप लोग भी खा लो, सुबह का नाश्ता कर लो। अरे मुझे तो अंदर आने दो, कीज लगाओ तो लाइट जले। ओ ऐसे ही जल्दी लगाओ। ओह तो अब हम लोग आ गए रूम में, क्योंकि अभी इन्हें करना है बस नहाना है इसको, तो ये नहाएंगी, चेंज करें, और तब तक मैं बाकी पैकिंग कर लेती हूँ। पैकिंग में कपड़ों की भी पैकिंग हो गई है गाइस, बस मेकअप किट वगैरह लास्ट का जो रखना है ना वो बस रखना है। तो और जो नाइटी वगैरह रात के कपड़े थे वो सब रखने हैं, तो बस उतनी पैकिंग कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। पैकिंग तो हो गई है, बिल्कुल डन, बिल्कुल पैक हो गया है, बस अब हम लोग को चेकआउट का ही बचा है। बस मुझे दुपट्टा लेना है और कुछ नहीं, यहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा तो मैं यहाँ पर उनको बता दूँ कि अब हम लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हैं। मैंने बोला था कि मैं नाश्ता करके आऊँगी फिर आपको बताऊँगी। तो यहाँ हम लोग हैं अभी बनारस में, ठीक है, और बनारस से हम लोगों को निकलना है 11:30 के करीबन चेकआउट है। ऐसे चेकआउट अपना ही होटल है, आप 12-1 बजे तक भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है।
बट 11:30 तक निकलेंगे, तब हम लोग पहुंचेंगे 1 घंटा 1.5 घंटा करीबन 60 किलोमीटर दूर होगा विंध्याचल। विंध्याचल में एक मंदिर है और ये वो वाली देवी होती है कुल देवी चल माता, तो हम लोग कई बार मैं जा चुकी हूँ, हम लोग को लेके गए हैं, मतलब दादी लेके जाया करती थी। तो ये इलाहाबाद से थोड़ा आगे ही पड़ता है, तो यहाँ बनारस से मैं पहली बार जा रही हूँ क्योंकि इनको था मिर्जापुर होके जाना। हम लोग पहले इलाहाबाद से लेकिन जाते थे, मुझे इतना याद है मैं बचपन में इलाहाबाद पहले जाती थी, प्रयागराज जो कि अब नाम हो गया है, वहां से फिर हम लोग 1-2 घंटे का बाय रोड ऐसे ही जाते थे। उस यही मैं बता रही थी कि अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है विंध्याचल का, तो हम लोग वहां से दर्शन करके फिर वहां से लखनऊ के लिए निकलेंगे। हम लोग का कोई स्टे नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट दर्शन करेंगे एंड बैक टू लखनऊ, सिंपल। ये है हमारा नेक्स्ट प्लान। तुम लगाई? हाँ। अरे मनोज से तो मिले नहीं, कहाँ गया? फिर गए तो मिले। तो गाइस हम लोगों ने चेकआउट तो कर दिया वही 11:30 के करीबन, और 11:40 हुआ होगा ऐसे लगभग, और अब रुके हम लोग पेट्रोल लेने के लिए क्योंकि जब से हम लोग निकले हैं हम लोगों ने लिया नहीं था, वहाँ से भरवा के चले थे लखनऊ से, अब हम लोग यहाँ पेट्रोल भरवा ले। और जैसे मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं, अभी हम लोग लखनऊ नहीं जा रहे, पहले जाएंगे विंध्याचल, वो भी एक मंदिर है, बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो जिसको पता है तो मुझे भी बताए कुछ कुछ कुछ। मैं भी बहुत पहले बचपन में गई हुई हूँ और काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ, सोचा बनारस के पास पड़ता है तो चलो हो लेती हूँ, 60 किलोमीटर है तो विंध्याचल के दर्शन भी कर लेती हूँ, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, 1-1.5 घंटा कह रहे रास्ते में लगेगा, उसके बाद 1/2 घंटा वहाँ पे, देखो अब डिपेंड करता है कि कितनी भीड़ है क्या है, कम भीड़ होगी तो जल्दी ना दर्शन हो जाएंगे और देर लगेगी तो फिर टाइम लगेगा, फिर उसके बाद सीधे निकलेंगे लखनऊ, और लखनऊ पहुँचते वही 8:30-8:30 जो भी बजते हैं, देखो डिपेंड करता है ट्रैफिक पे, रास्ते पे, सब ही कुछ है। तो यही है हमारा पूरा प्लान, बाकी व्लॉग में बने रहो, देखते रहो, तो बस पता चलता रहेगा, मैं भी आपको विंध्याचल के दर्शन करवाती हूँ। आई थिंक वहाँ पे फोन वाला कोई झंझट नहीं होगा, फोन ले जा सकते हैं, अब अगर मना हुआ लॉकर सिस्टम हुआ तो मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ, बट अभी जहाँ तक है मुझे नहीं लगता कि फोन उनका कोई वहाँ पे झमेला, आप ले जा सकते हो, बट अगर मना करेंगे तो मैं जहाँ तक हो सकेगा वहां तक बनाऊंगी, लॉकर में रखने से पहले पहले बना दूंगी वीडियो, और उसके बाद फिर जैसा होगा मैं एक्सपीरियंस आके आपको शेयर करूंगी। तो बने रहिए ब्लॉग से, कहीं मत जाइएगा, ठीक है, मिलती हूँ। चलो आप सो मत आगे बढ़ो, जय माई दो, चलिए भैया चलिए।
खड़ा किया कुछ सर जाए तो मैं जल रही है जमीन। दोपहर के बजे हैं 1:45। गर्म भी बहुत है अभी, फिर एक ये धूप वाली रास्ता है। जल्दी जल्दी चलना। आप अगर एक मिनट रुक जाए ना पैर एकदम। अभी रुको 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 रुको, फिर से एक और है। यहाँ से वहां तक जाना कैसे, चढ़ेंगे कैसे? धीमे धीमे गिरना जाना चलने के चक्कर में। पैर चले पैर चले। मुझे चढ़ाओ मुझे चढ़ाओ मुझे। उतना दूर जाने का टाइम नहीं है। तो गाइज हम लोग विंध्याचल के दर्शन हो गए और हालत इतनी खराब हो गई है कि कुछ कहने की बात नहीं। गर्म गारे बाल ऊपर कर दिया है, चश्मा उतार के फेंक दिया है। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, थोड़ा कूल होने दीजिए। चाय वाय पी ली है और पानी भी खत्म हो गया था गाड़ी में, तो दो बॉटल पानी भी ले लिया क्योंकि अभी और तो अभी बहुत चलो अभी क्योंकि बाकी रास्ता है अभी काफ़ी। तो हम लोग के पास पानी जितना भी हम लोग वहाँ से ले के चले थे बनारस से, सब खत्म हो गया पी पी के, तो इसलिए 2 लीटर तो ले लिया। बाकी अब अगर लगेगा तो फिर बीच रास्ते में लेके लिया जाएगा, फिलहाल तो अभी 2 लीटर ले लिया। चाय वाय पी ली, अब देखो कोई हॉल्ट होना तो नहीं चाहिए, बट अब देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और बाहर का नज़ारा देखो आपको दिखाते हैं। फ्लाई ओवर आ रहा है, इधर काम हो रहा है, इधर ये देखो दुकान इनकी पहले बहुत बड़ी थी, अभी अब छोटी हो गई। वहाँ खड़ी है हमारी गाड़ी। गाइस ये देखो बिस्लेरी की स्पेलिंग गलत, मतलब ये नकली है। बहुत ध्यान से पानी खरीदा करो गाइस, बहुत सावधानी से। तो गाइस हम लोग अपने शहर वापस आ चुके हैं लखनऊ, और बाकी की जितना भी डिटेल वगैरह है कि कितना टाइम लगा क्या लगा कैसे लगा वो सब मैं बताऊंगी आपको कल के व्लॉग में। बने रहना व्लॉग में, कहीं मत जाना। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और आज का व्लॉग करेंगे यहीं पे एंड। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय।